नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा इंट्रोडक्शन टू चैप्टर सीरीज के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा होगा तो ये भाग आप जरूर देखिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें हमने पहले चार चैप्टर्स का एक ओरिएंटेशन किया था। ये चार चैप्टर्स का अगर आप वीडियो में एक बार देखेंगे तो ये चार चैप्टर्स आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इस भाग में हम चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक की चर्चा करेंगे। और वो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, चैप्टर नंबर 6 सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, चैप्टर नंबर 7 द रिवोल्ट ऑफ 1857, चैप्टर नंबर 8 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, चैप्टर नंबर 9 द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so the fifth chapter is administrative organization and social and cultural policy. So, अब इसमें उन्होंने administrative organization थी, Britain did not rule India by just by force. उसके बहुत सारे reasons थे। वो पहली बात तो British ruled India by ideology. It was an ideological indoctrination. ठीक है? The ideology was based on two cardinal principles. What were they? They were invincibility and benevolence. समझ गए? बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? विश टू डू गुड, है ना? बेनेवोलेंट पर्सन या बेनेवोलेंस मतलब विश टू डू गुड, समवन डज गुड। तो उन्होंने इंडियंस को कन्विंस कर दिया था, इसको आइडियोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिनेशन बोलते, कि ब्रिटिश रूल तुम्हारे लिए बेसिकली अच्छा है। और इंडियंस कन्विंस हो भी गए। और मतलब आम पब्लिक की तो बात छोड़ो, यहाँ के जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो भी, इनफैक्ट कांग्रेस जब बनी थी 1885 में तो उसमें जितने भी लीडर्स थे मॉडर्न, जो क्योंकि उसका दूसरा पार्ट फिर एक्सट्रीमिस्ट जो तिलक लेड फैक्शन था, तो ये सारे लोग इंडिया कांग्रेस जब बनी थी तब वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस थोड़ी ना मांग रहे थे। कैरेक्टर एंड देन इनविंसिबिलिटी। व्हाट डज इनविंसिबिलिटी मीन? कि तुम चाहो तब भी हमको हरा नहीं सकते, वी आर इनविंसिबल, यू आर पावरलेस अगेंस्ट अस। ओके, तो तुमको अगर हम तुम्हारे लिए अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमको हमारा रूल अगर अच्छा नहीं भी लगता तो तुम हमारा कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो वो कुछ कर नहीं सकते उसका आधार क्या था? उनका आधार ये था, उनके जो पिलर्स थे उनके रूल के, वो तीन चार मेन पिलर थे। एक तो सिविल सर्विस, मिलिट्री, ठीक है, देन रूल ऑफ लॉ। ओके, तो सिविल सर्विस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पिलर्स। तो सिविल सर्विस बेसिकली उन्होंने क्यों डिजाइन की थी? ये जो कलेक्टर की पोस्ट होती है, कलेक्टर मतलब काय का कलेक्ट, कौन सा, क्या कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है? रेवेन्यू, ही इज अ कलेक्टर ऑफ टैक्स। ठीक है, तो अब सिंस रेवेन्यू कलेक्शन इज अ मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, सो यू हैव टू कलेक्ट इट इन अ राइट वे। ओके, not only you have to collect it in the right way, but every nook and corner of the country should come under the ambit of revenue collection. So, उसके लिए उन्होंने पूरा एक तामझाम बिछाया कि जो जो हम आज भी कर रहे हैं, यानी how is India basically divided or united? If you look it from the grassroots level, which is the smallest unit of a community, that is the village. ठीक है, so the villages comprise of a taluka. Many villages come under one taluka or tehsil, जिसको बोलते हैं, जिसका revenue का इंचार्ज होता है तहसीलदार। ठीक है, then many tehsils come under one subdivision. Okay, subdivision का इंचार्ज होता है deputy collector. And then 3 or 4, depending upon the size of the district, a few subdivisions come under one collectorate. Okay, then few collectorates would come under one division, and 7, 8, or 9, depending upon the size of the state. These divisions make up a state, and all states make up the country. Okay, so states, British time pe isko province bolte the. States, princely states ko bolte the. Isse confused mat hona. So, yani states ka jab bhi word history mein aayega, freedom struggle and modern India padte samay, it means the princely states. The normal state which we call today like Maharashtra, jaise ya UP, to ye states pehle pehli baar to ye is naam se the bhi nahi. है ना, यहाँ पे जैसे दिस सेंट्रल इंडिया वॉज अ डिफरेंट प्रोविंस, विच वॉज जैसे नागपुर, नागपुर वॉज इन अ
प्रोविंस कॉल्ड सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, एंड बेरार ब्रिटिश बोलते थे, एक्चुअली इट इज वराड, ओके वराड, सेंट्रल प्रोविंस एंड वराड, तो उसमें एमपी का कई पार्ट था और विदर्भ ये बीच में, उसकी कैपिटल नागपुर थी। द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स अवे फ्रॉम विदर्भ, दे केम अंडर बॉम्बे प्रोविंस, हुज कैपिटल वॉज बॉम्बे सिटी, ठीक है, तो बॉम्बे प्रोविंस में गुजरात भी था, बॉम्बे प्रोविंस वॉज सो लार्ज दैट इवन सिंध केम अंडर बॉम्बे प्रोविंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो आज की डेट में पाकिस्तान में, ओके तो ये इसको प्रोविंस बोलते थे। तो ये जो सिस्टम होता है ना, इसमें उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन, अब रेवेन्यू कलेक्शन करना उनके लिए बहुत जरूरी भी था, वो इसलिए था बिकॉज दे हैड टू सस्टेन अ ह्यूज आर्मी, द आर्मी इटसेल्फ वाज ऑफ टू टाइप्स, आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड आर्मी ऑफ एक्सपेंशन। आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब जो इंडिया में तैनात रहेगी, ठीक है, इंडिया को सेफ गार्ड करेगी नॉट ओनली फ्रॉम अदर्स, अदर यूरोपियन पावर्स, बट ऑल्सो अगेंस्ट इंटरनल रिबेलियंस एंड ऑल। और आर्मी ऑफ एक्सपेंशन मतलब जो ब्रिटिश टेरिटरीज को एक्सपेंड करेगी आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स द वॉर्स दैट वुड बी फॉट इन अफ्रीका और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे इंडियन आर्मी जाएगी, यानी इमेजिन द ब्लड शेड एंड द मनी स्पेंट वुड बी इंडियंस इंडियन एंड द गेन्स मेड वुड बी ब्रिटिश। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फाइनेंस करती थी, मान लो कोई फ्रांस के साथ ब्रिटेन अफ्रीका में जंग लड़ रहा है, उसमें इंडियन ट्रूप जा रहा है, ओके, और उसको फाइनेंस कहां से आ रहा है, ब्रिटेन से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ के किसान की खून पसीने की कमाई, वो उसको फाइनेंस कर रही है। तो उनको ये सारा जो टैक्सेशन था ये उनको चाहिए था, प्लस उनको एक ह्यूज सिविल सर्विस भी सस्टेन करनी थी। अब सिविल सर्विस है उसका तामझाम कितना बड़ा होता है, कलेक्टर के ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस देखो जाके कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, उस फिर ऐसी तहसील लेवल तक, ब्लॉक तहसील सब डिवीजन लेवल तक हर जगह स्टाफ, उसकी उसकी सैलरी कौन देगा, ठीक है, उसका रेवेन्यू कलेक्शन का तामझाम, उसका जो खर्चा आता है वो कहाँ से आएगा, तो इसके लिए पैसे चाहिए ना। तो अब ये पैसे स्ट्रीमलाइन होने चाहिए और बेस्ट ऑप्टिमम वे में आने चाहिए, इसलिए उन्होंने कलेक्टर की पोस्ट को बहुत पावरफुल बनाया, समझ गए, कलेक्टर के पास फिजिकल पावर्स दे दी, ओके, फिजिकल पावर्स यानी पुलिस उसके अंडर में रख दी, उसके पास कई सारी जुडिशियल पावर्स दे दी, इसीलिए तो उसको डीएम भी बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यूपी बिहार में अभी भी कलेक्टर को डीएम ही बोलते हैं, जबकि राइट नाउ मजिस्ट्रियल पावर्स अभी कलेक्टर के पास नहीं रही है, हाँ वो भी ट्रांसफर हो गई है, और जो, और वैसे भी जहाँ पे कमिश्नरेट होती है, जहाँ पुलिस कमिश्नरेट होती है, वहां पे जो भी मजिस्ट्रियल पावर्स रहती भी है वो पुलिस कमिश्नर के पास रहती है, कलेक्टर के पास नहीं। जैसे नागपुर इज अ पुलिस कमिश्नर है, यहाँ पर जो पुलिस की हाईएस्ट पोस्ट है वो डीडीजीपी रैंक की पोस्ट है, उसका अगला प्रमोशन डीजीपी का होगा, समझ गए, और यहाँ पे जो कलेक्टर, जो नागपुर सिटी के डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी है, तो वो तो उसे काफी जूनियर है ना, देखा जाए तो वो तो लेट 50s में होगा जो कमिश्नर होगा, ओके, ही इज डीडीजीपी रैंक, ये बैच वाइज कितना, तो जहां पर मैजिस्ट्रियल पावर्स होती भी है वो जहां कमिश्नर जो बची कुछ है भी, जहां पुलिस कमिश्नरेट है वहां पर वो पुलिस कमिश्नर के पास है, ओके। अब जैसे चंद्रपुर है या दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट वर्धा है, तो वहां पर जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट रहेगी, पुलिस का हेड, वो वहां के कलेक्टर के अंडर में रहेगा, यहाँ का पुलिस कमिश्नर यहाँ के कलेक्टर के अंडर में नहीं रहता, जहाँ क्योंकि वो कमिश्नर है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, ओके, तो ये सारे जो इस टाइप के सिस्टम्स उन्होंने ये किए थे, तो ये काफी चेंजेस बाद में भी आए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन्स इंडिया में बिठाई गई इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें कई सारे उन्होंने चेंजेस किए, बट द बेसिक स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स द सेम, ओके। तो कलेक्टर को उन्होंने क्यों ओवरवेलमिंग पावर्स दी, वो इसीलिए दी ताकि पैसे पूरे आते रहने चाहिए राइट टाइम पे, जितने हमको लगे अपना पूरा तामझाम संभालने के लिए और अपने रूल को सस्टेन करने के लिए, ऑलराइट, तो वो वैसा उन्होंने शुरू किया। फिर उसके अलावा उन्होंने पुलिस की शुरुआत की, तो पुलिस मतलब सी अर्लियर पुलिस का काम, पुलिस और आर्मी में क्या डिफरेंस होता है, आर्मी गार्ड्स द फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, पुलिस इज इन्वॉल्व इन लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस हैज टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, ओके। तो पहले जमाने में आर्मी और पुलिस, ये पुलिसिंग का, लॉ एंड ऑर्डर का काम और देश की रक्षा करने का काम आर्मी ही करती थी, ओके, तो ये पुलिस का एक नया सिस्टम ब्रिटिश ने
इंट्रोड्यूस किया, इनफैक्ट इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और फिर जो पुलिस एक्ट इंडिया में बना 1862 में बना था, तो इंडिया में तब से पुलिस आई, तो लॉ एंड ऑर्डर दूसरी फोर्स संभालेगी और देश की रक्षा और बाकी आर्मी ऑफ एक्सपेंशन ऑक्यूपेशन वो दूसरे लोग रहे। आर्मी और पुलिस को बायफर्केट कर दिया, तो पुलिस का सिस्टम उन्होंने लाया। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर उससे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी उसको तुमने सिविल सर्विस को उसके अंडर सबॉर्डिनेट किया, ओके। एंड उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी लाई, तो जुडिशरी की शुरुआत तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की इसमें बात थी। तो अब इसमें देखो, अब अगेन द इम्पोर्टेंट फैक्ट हियर इज दैट दे इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, किसी व्यक्ति का नहीं। फिर कानून सबके लिए बराबर होगा, है ना, यानी रूल ऑफ लॉ का एक कोरोलरी है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो फिर सबके लिए सेम होगा। मान लो किसी अंग्रेज के हाथ से भी खून हो जाता है, तो उस पे भी वही पिनल कोड लगेगा जो किसी इंडियन पे लगेगा, तो देर विल बी इक्वल। और फिर जब रूल, जब कानून से के हिसाब से सजा दी जाएगी, तो जब सजा दी जाएगी तो कानून के हिसाब से दी जाएगी, कास्ट के हिसाब से नहीं, मनुस्मृति में जो इवन सजा थी वो वर्ल्ड के हिसाब से थी, और जितना लोअर वर्ल्ड रहेगा उतनी ज्यादा सजा सेम ऑफेंस के लिए। सब मान लो किसी ने चोरी की है, तो उसमें जो सबसे लोअर हायरार्की में रैंक उसको सबसे ज्यादा सजा, उससे ऊपर थोड़ी कम, उससे ऊपर ब्राह्मण को सबसे कम, ओके। तो ऐसा सिस्टम इन लोगों ने नहीं रखा, जिसमें रूल ऑफ लॉ मतलब एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। फिर नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो डिवाइज अ सिस्टम ऑफ तुम्हारा पिनल कोड जो अभी भी चल रहा है, आईपीसी बोलते हैं ना, जो इंडियन पिनल कोड, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था, वो अभी भी चल रहा है। आईपीसी की धारा ये के थ्रू इसको ये सजा दी जाती है, कोर्ट्स में पिक्चर वगैरह में नहीं दिखाते। तो ये जो इंडियन पिनल कोड है वो भी उन्होंने डिवाइस किया था, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू 1972 में आया, उसमें तो कुछ अलग चीजें, लेकिन वो पिनल कोड सेम है। पेनल्ट जो 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 जज सजा सुनाता है वो ब्रिटिश वाले जो चल रहे हैं वही अभी भी चल रहा है, ओके। हाँ, तो फिर उसके अलावा द रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी तो हमने बात करी ली। और फिर उसके अलावा उन्होंने सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, ठीक है, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये सारी चीजें भी उन्होंने शुरू की। तो इस चैप्टर में तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी करना है, और सोशल कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स एंड मॉडर्न एजुकेशन जो उन्होंने किया। अब सोशल और कल्चरल की जो बात है, इनिशियली एक्चुअली उनको लगता था कि इंडिया में कई सारे सोशल और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ करना शुरू भी किया। इनफैक्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड का एक्ट तो 1860s में बनाया था, और उसको रेगुलर मॉनिटर करते थे, यानी लड़की अगर पैदा हुई है तो ये नेचुरल कॉजेस से, अगर इसकी डेथ नहीं हुई तो ये मरना ही नहीं चाहिए, उसका मॉनिटरिंग होता था क्यों, जब तक वो 5 साल की नहीं होती। तो ये कितना ये बड़ा देखा जाए तो उनको क्या जरूरत है ये सब देखने की। तो ये ह्यूमैनिटेरियन वे में भी उनका एक है था, उनका एक एक्चुअली आइडियोलॉजी ये भी थी, इट इज अ व्हाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द वर्ल्ड, मतलब उनके हिसाब से यहाँ पे सब अनसिविलाइज लोग रहते थे, कंपेरेटिवली तो थे भी ना, क्योंकि एजुकेशन और ये पूरा एक वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बन चुकी थी, यहाँ प्रिमिटिव थी, अभी भी वैसे ही है, सिर्फ कपड़े अभी वेस्टर्न पहनते हैं, माइंडसेट तो वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी को उनको रिफॉर्म करना था, इसमें कई सारी चीजें, अब जैसे सती प्रथा को बैन करना है ना, तो इसके ऊपर भी लॉज ब्रिटिश ने बनाया, उसके लिए एफर्ट्स इंडियंस ने किए, राजा राम मोहन राय वगैरह ने, लेकिन उसके ऊपर लॉज तो उन्होंने ही बनाया। देन अगेन दे वॉन्टेड टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन। अब मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड करने का के उनके दो मेन रीजन थे, यानी एक तो उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी तुम बोल सकते हो कि ठीक है, लोगों को एनलाइटन करना, एजुकेशन बढ़ाना, लेकिन उसके उसमें उनके कुछ इंटरेस्ट थे, वेस्टेड इंटरेस्ट। तो पहला वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि अब उनको खुद ही इतना बड़ा ह्यूज तामझाम उन्होंने खड़ा करके रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका उसका, आर्मी का, तो वहां काम करने के लिए जो लोग लगेंगे वो एजुकेटेड लगेंगे ना, अब वो पूरे लोग ब्रिटेन से थोड़ी ना लाएंगे, अब इतने बड़े सब, ये इंडिया थोड़ी ना था, वो सब कॉन्टिनेंट था जिसपे वो रूल कर रहे थे, अब इतने बड़े इंडिया में काम करने के लिए अगर वो सब लोग ब्रिटेन से लाते हैं तो ब्रिटेन ही खाली हो जाता,
तो यहाँ पे तो उनको इंडियंस ही चाहिए थे, काम तो वो कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए उनको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ग्रेजुएट बनाना पड़ेगा, इंग्लिश को सिखानी पड़ेगी और ये सारी चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स खोलेंगे उसमें इंडियंस खोलेंगे। एक उनका ये रीजन था। दूसरा एक और था भाई, प्राइमरी एजुकेशन दे वर इंटरेस्टेड इन, वो ठीक है, दैट वॉज लाइक ह्यूमैनिटेरियन कॉज, अलग चीज हो गई। उसमें ये था कि दैट वॉज अ बिग सोर्स फॉर आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। तो अपनी आइडियोलॉजी कैसे पहुंचाओ मार्क्सिस्ट तक, कि ब्रिटिश रूल कैसे अच्छा है ना। अब पहले जो किताबें रहती थी, उसकी चाहे वो पहली के बच्चे की किताब हो या 10वीं की या किसी कॉलेज की, उसके फ्रंट कोई भी किताब खोलोगे उसके फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल लिखा रहता था, बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, समझ गए? तो वो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन होता है ना, बचपन से लेकर बड़े होते तुम वही सीखते हो कि ब्रिटिश रूल तो अच्छा ही है इंडिया के, वही सीखते रहो वही सीखते रहो, ताकि तुम आगे कभी चैलेंज ना करो। और फिर तीसरा भी एक और इसमें अल्टीरियर मोटिव तुम बोल सकते हो, ये था दैट द प्रेशर ऑफ मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, ओके, नाउ इन द नेम ऑफ एजुकेशन, स्प्रेडिंग एजुकेशन थ्रू कॉन्वेंट स्कूल्स एंड ये सब चीजें, दे वुड कन्वर्ट कन्वर्ट हिंदूज और मुस्लिम टू क्रिश्चियन, स्पेशली हिंदूज, एंड दैट टू द वल्नरेबल वंस, यानी जो एक्सप्लॉइटेड है, लोअर कास्ट, ओके, तो उनको तुम इजीली कन्वर्ट कर पाओ। तो ये उसके पीछे कुछ उनके अल्टीरियर मोटिव्स भी थे। तो दिस वाज देयर इन चैप्टर 5, ओके। सो चैप्टर नंबर 6 इज सोशल कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो एक्चुअली सोशल और कल्चरल अवेकनिंग जो है ये पूरी 19th सेंचुरी में चलती रही, उसके बाद भी चलती रही, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हो गई थी, एंड दैट वाज ऑल इनिशिएटेड और पायनियर्ड बाय राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय वाज, यू कैन आल्सो कॉल हिम द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। नाउ ही वाज एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली एंड एन एक्सट्रीमली लर्नेड मैन, और नॉट ओनली दैट ही वाज अ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। वो उस जमाने में कहाँ कहाँ से जर्नल्स वगैरह मंगाते थे यूरोप से, एंड ही वाज एबल टू स्पीक एटलीस्ट 5-6 यूरोपियन लैंग्वेजेस। वहां से वो जर्नल्स मंगाते थे, उसको पढ़ते थे, और यहाँ पर जो समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने कई सारी आवाज उठाई, और उसमें सबसे बड़ा जो इनका योगदान रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर ला के, जिसके लिए एक फर्स्ट सोशल रिलेटेड एक्ट पास करवाया था, दैट वाज अबोलिशन ऑफ सती, ठीक है। अब ये जो सती प्रथा है, ये अब देखा जाए तो इंडिया में थी, लेकिन ये कोई मतलब एक कोई कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी, इट वाज कन्फाइंड टू सम अपर कास्ट एंड अपर क्लास क्लासेस, स्पेशली इन बंगाल और भी कुछ एरियाज में थी, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन, इट वाज नॉट यूज बाय मासेस, मतलब हर जगह इतनी प्रिविलेंट प्रैक्टिस ये नहीं थी। उसके पीछे एक दो तो मेन रीजन ये थे, एक तो इनहेरिटेंस का इश्यू था, यानी एक बार हस्बैंड मर गया उसके साथ वाइफ भी मर जाए तो ठीक है ना, कोई जायदाद में ये हिस्सा मांगने वाले कोई रहेंगे ही नहीं, एक ये इशू था, और ये आई कहाँ से और ये पता नहीं, बट इट वॉज, यू कैन मतलब इट वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग काइंड ऑफ एक्ट विच वॉज डन, प्रैक्टिस दैट प्रिवेल्ड, है ना। इससे ज्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस क्या हो सकती है, किसी को तुम जिंदा चला दो, जिंदा तो तुम जानवरों को भी नहीं चला दो, मतलब उनको मारने के बाद उनको उनका मीट कंज्यूम करते हो ना, है कि नहीं? तो ये ह्यूमन बीइंग को ये कराना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो खैर ये चल रही थी, लेकिन तो इसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई और ये इसका विरोध भी हुआ आपको। तो नेवरदलेस इस चैप्टर में राजा राममोहन रॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया, हम उसके पूरे डिटेल्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ही वॉज द ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज मूवमेंट एक है और वो अभी भी है, तो वो मूवमेंट के तौर पर नहीं है लेकिन उसके सेंटर्स वगैरह है, कई सारी पुरानी उस समय जो ये शुरू हुई थी वो अभी भी, जैसे रामकृष्ण मिशन अभी भी है। तो इस वे में उनका एक अलग ही कंट्रीब्यूशन था, और ही आल्सो ट्रांसलेटेड मेनी बुक्स इनटू इंग्लिश, इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, इनटू बंगाली स्पेशली, एंड ही आल्सो वांटेड, ही एक्चुअली रोट अ बुक कॉल्ड प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस व्हिच वाज हिज क्रिटिक ऑफ बाइबल। उसके लिए उसको क्रिश्चियन, उनको क्रिश्चियन मिशनरीज का भी, ही हैड टू फेस द रैथ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज
एंड द अथॉरिटीज ऑल्सो। तो खैर वो उन्होंने अपना एक ये था, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स और ये रहते हैं किसी से डरते वरते नहीं है, डरते होते तो वो वैसे बनते ही नहीं, क्योंकि उनको तो पूरे यू हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट सम पर्सन और समथिंग, यू हैव टू फाइट नॉट ओनली अगेंस्ट वेरियस वेरियस पीपल बट ऑल्सो अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिकॉज द करंट इज अगेंस्ट यू, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फ्लो अगेंस्ट द करंट। ओके, तो सिमिलरली अनादर सोशल रिफॉर्मर वॉज डिरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये लुइस पीबीएन डिरोजियो, ये एक एंग्लो इंडियन था और इसने भी, ये एक्चुअली प्रोफेसर भी था वहाँ यूनिवर्सिटी, काफी यंग था एंड ही इनिशिएटेड मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स। तो इसके कई फॉलोअर्स थे एंड दैट मूवमेंट एक्चुअली वॉज कॉल्ड लेटर ऑन एज यंग बंगाल मूवमेंट। एंड ये डिरोजियो जो है ही डाइड ऑल्सो एट अ वेरी यंग एज, तो इसकी जो फोटोज या स्केचेस वगैरह भी है उसमें दिस मैन लुक्स प्रिटी यंग। देन देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका एक अपना रोल रहा है। नाउ देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ही वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके इनफैक्ट हिज ब्रदर देवेंद्रनाथ टैगोर्स ब्रदर सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। नाउ ही क्रैक दिस एग्जाम वे बैक इन 1861। ओके, तो देवर ऑफ कोर्स फ्रॉम अ वेरी इलस्ट्रियस फैमिली, सिविल सर्विस और आर्मीओ में उस जमाने में कौन लोग आते थे, वेल टू डू एंड मतलब इनफैक्ट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लोग आते थे। तो ये टैगोर फैमिली भी जमींदार फैमिली ही थी। टैगोर मतलब एक्चुअली ये बंगालीज उनको टैगोर बोलते हैं, दे आर बेसिकली ठाकुर, उनको वो ठाकुर है जिसका टैगोर हो गया। ओके, ऐसे ये जो बैनर्जी मुखर्जी चैटर्जी ये रहते हैं, ये इनके रियल नाम नहीं है। जैसे बैनर्जीज आर बंदोपाध्याय, कई लोग बंदोपाध्याय भी लिखते हैं और कई लोग उसको बैनर्जी ही लिखते हैं। फिर ऐसी मुखर्जीज आर मुखोपाध्याय, देन चैटर्जीज आर चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है वो कई जगह कई बुक्स में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भी नाम से लिखा हुआ, जिन्होंने वंदे मातरम लिखी है। तो दीज आर बेसिकली बंगाली ब्राह्मण्स। तो ये जो टैगोर्स थे ये काफी वेल टू डू इसमें से थे एंड देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज बेसिकली टुक ऑन द रील्स ऑफ ब्रह्मो समाज मूवमेंट लेटर ऑन। तो ब्रह्मो समाज मूवमेंट भी आगे चल के स्प्लिट हुई, उसमें एक केशव चंद्र सेन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो वो सारी चीजें इसमें इस चैप्टर में तुमको पढ़नी है, देन उनके आगे के कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देन अनादर नोटेबल फिगर इन सोशल रिफॉर्म वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है फीमेल एजुकेशन। नाउ ही हिमसेल्फ वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ अ वुमेन्स स्कूल कॉलेज एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ही ऑलमोस्ट स्टार्टेड 100 स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन बंगाल। तो इतनी सारी स्कूल्स खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो वो फंड्स मोबिलाइज करना, और उस जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट इशू पैसे लाके और बिल्डिंग खड़ी करना नहीं था, तुमको लोगों को कन्विंस भी तो करना है कि लड़कियों को पढ़ाओ। लड़कियों को पढ़ाना या नहीं, ये कोई फैमिली या नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे और ये क्या होगा। आज आज के जैसा थोड़ी ना था पहले, जैसे हर कोई घर में अभी कैसा, लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो उसको स्कूल में तो डालना ही है। तो मतलब कोई सोचता भी नहीं है कि लड़की है तो स्कूल में नहीं भेजना, ऐसा सोचता है क्या कोई, भले वो कितना ही गरीब हो। लेकिन उस जमाने में तो गरीब छोड़ो, वेल टू डू फैमिलीज के लोग भी लड़कियों को कहाँ स्कूल में भेजते थे, विमेन एजुकेशन वॉज टेबूड। ओके, और ये हिंदू इसमें नहीं था, इस्लाम में भी था, सभी इसमें था। वुमेन एजुकेशन वाज नेवर इनकरेज्ड, इनफैक्ट कुरान में तो शायद ऐसा भी लिखा है कि वुमेन को ज्यादा इम्पावर और ये कर दो तो, अगर एजुकेट कर दो तो उससे कयामत आ जाएगी। कयामत का मतलब होता है डूम्स डे। ओके, एंड वर्ल्ड विल एंड। तो इस हद तक जो जब जिस समाज में ये हो उनके अगेंस्ट तुम ये करके विमेन एजुकेशन को पायनियर कर रहे हो। वैसे विमेन एजुकेशन जेईई बैथून ने इंडिया में ऑलरेडी शुरू कर दिया था, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स वगैरह, और उसी परंपरा को आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बढ़ाया। देन देर वर सम पायनियर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। तो वेस्टर्न इंडिया में एक परमहंस मंडली 1840s में थी, फिर उसमें लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के कॉन्ट्रीब्यूशन है, और फिर अगरकर, खैर वो तो बाद में थे,
1950s के बाद, 1850s के बाद से, लेकिन उसमें वेस्टर्न इंडिया में भी काफी सोशल रिफॉर्म रहा है। अगर तुम ऐसे देखो कि पूरे इंडिया में सोशल रिफॉर्म का जो बीड़ा उठाया गया है वो मेजरली बंगाल साइड में और महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में वो परंपरा आज भी चली आ रही है। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र में एजुकेशन की जो एक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, इवन रूरल एरियाज में भी और हर जगह। यहाँ एक से एक सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ से हुए, फूले शाहू अम्बेडकर से लेके तो दूसरे भी कितने सारे, जैसे गोपाल हरि देशमुख, अगरकर और जी एम मलाबारी, ये सारा मतलब यहाँ पे एजुकेशन की शुरू से ही परंपरा रही। यहाँ पे बड़े बड़े साधु संत रहे। यहाँ पे इन एरियाज में बंगाल में तो था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा जो जमींदारी सिस्टम नहीं था कभी, जो सिस्टम बाकी पूरे यूपी बिहार और इन सब में है, तो वो जो जमींदारी सिस्टम था वो था तो एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि दैट बेसिकली इनकलकेटेड अ फ्यूडल माइंडसेट अमंग पीपल, ओके। और वो फ्यूडल माइंडसेट अभी भी चला आ रहा, तो फ्यूडल माइंडसेट की का ही पार्ट, इट इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम, ओके, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऊंच नीच की जो ये होती है, ये सारा वो फ्यूडल माइंडसेट का पार्ट। इंडिया में बहुत, मुझे से वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र और इधर ईस्ट साइड में बंगाल एरिया, यहाँ पे एक से एक एनलाइटेंड लोग हुए, जहाँ पे एजुकेशन का और इसका एक अलग ही परंपरा रही। बंगाली, यू लुक एट ऑल बंगाली मेन, उनके साथ एक कॉमन चीज होती है, दे ऑल वेयर स्पेक्ट्स, हमेशा देखना चश्मे वाले रहते सारे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका कहना था कि दैट इज बिकॉज दे रीड अलॉट, और वहां पे है यानी रीडिंग और इसकी परंपरा रहती है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द सिक्स्थ चैप्टर, दैट इज सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। देन इन दिस बुक द सेवेंथ चैप्टर इज अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो रिवोल्ट ऑफ 1857, अब जैसे हमने पहले भी बात की कि ये चैप्टर इसमें से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसको स्पेक्ट्रम और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में जो वो चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, बिपिन चंद्रा की, उसमें से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब उसके कुछ जनरल कॉजेस थे, सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, ये सारे अलग अलग उसके कॉजेस थे, उनका इसमें क्या रोल रहा है। देन द इमीडिएट कॉज, द बिगनिंग एंड द कोर्स ऑफ रिवोल्ट। अब इमीडिएट कॉज अगर देखा जाए तो वो, इट वाज द ग्रीस कार्टेजेस विच वर सपोजिटली मेड अप ऑफ पोर्क एंड बीफ फैट। तो ये कैसा था, उस रॉयल एनफील्ड गन्स नई ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसमें जो कार्टरेज, दीज राइफल्स वर नॉट एसएलआरस, एसएलआर मतलब होता है सेल्फ लोडिंग राइफल, यानी जैसे तुमने एक बुलेट फायर की तो अगली गोली अपने आप वहां पे आ जाएगी, उसको भी फायर करना, तुमको हर बार उसको लोड नहीं करना, तो उसमें तुमको हर बार लोड करनी पड़ती थी, पुराने टाइम की गन्स थी। तो बिफोर लोडिंग दैट बुलेट यू विल हैव टू बाइट ऑफ इट्स लिड, ठीक है, और फिर उसको लोड करना। तो वो जो उसके ऊपर एक लेयर रहती थी जिस विच विच वाज सपोज्ड टू बी बिटन ऑफ, दैट वाज मेड ऑफ पोर्क एंड बीफ फैट, ऐसा एक रूमर फैला था। अथॉरिटीज ने बाद में इस चीज को डिनाई भी किया कि वो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, हम तो इस चीज से वगैरह बनाते, लेकिन उसके कुछ एविडेंसेस वगैरह भी मिले थे। और बाद में एक जो बैरकपुर में एक कंपनी थी जिसमें मंगल पांडे वॉज देयर, तो ही म्यूटिन अगेंस्ट दिस, ऑफकोर्स ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विथ सम अदर सोल्जर्स, लेकिन उससे ये बेसिकली इसकी शुरुआत हुई, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। और तब से बाकी सब भी जो इनके एक आपस में चल रही थी कॉन्स्पिरसी और इन सबको एक बगावत करनी थी, तो ये धीरे धीरे करके वो आग फैलती गई और उन्होंने किया। तो इन अ वे वो नॉर्थ इंडिया में जहाँ भी फैली वो कभी सिस्टमेटिक वे में उन्होंने, और उसका इवन जो मैसेजिंग वगैरह थी वो रोटियों पे वगैरह लिख के कुछ कुछ भेजते थे। और इनका ब्रिटिश इंटेलिजेंस तो मतलब उस समय भी बहुत अच्छा ही था, आज की डेट में भी MI6 इज जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड, टॉप में आती है। जो जो फिक्शियस उसका स्पाय है जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड किसके लिए काम करता है, ही वर्क्स फॉर MI6, ओके। तो और फिर उनकी जो स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट
बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो ये जो उनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क था वो इंडिया में भी बहुत स्ट्रांग था, और वो इन चीज को इस चीज को बायपास करते हुए उन्होंने अपने कम्युनिकेशंस, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उन्होंने उसको कैसे मेंटेन रखा, वो फाइनली दिल्ली तक कब्जा कर लिया था, जो बाद में ऑफ कोर्स दे वर ओवर पावर्ड, बट नेवरदलेस इसमें ये था। अब इस रिवोल्ट के कई सारे वीकनेसेस थे। वीकनेस नंबर वन ये था कि मतलब पैन इंडियन मूवमेंट, इसके कुछ मतलब प्लस पॉइंट्स भी थे। द मूवमेंट इट वॉज कैरिड आउट ऑन एंटायरली सेक्युलर बेसिस। अब ये तो सारे ज्यादातर लोग हिंदू थे जो उसमें उसके लीडर्स थे, बट दे स्टिल प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स ही वाज अ एलिंग ओल्ड मैन ऑफ 80 इयर्स, जिस उम्र में उसको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। खैर, इनके घोषित करने से क्या होता है, रियल में थोड़ी ना बन गया। ओके, वो तो वैसे भी पेंशनर था उन ब्रिटिश का, लेकिन ही वाज मेड, ऑफ कोर्स ही वाज आफ्टर द मूवमेंट रिबेलियन वाज सप्रेस्ड, ही वाज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू बर्मा मांडलिंग वेयर ही डाइड लेटर ऑन। ही वाज नॉट एग्जीक्यूटेड, बट हिज एंटायर फैमिली, हिज सन्स एक्सेट्रा एंड नेफ्यूज ग्रैंडसन्स वर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्पॉट पॉइंट ब्लैंक। उसका ये पर्पज ये था कि इसके आगे मुगल नाम का कोई ये नामो निशान नहीं होना चाहिए, कि फिर से कोई म्यूटी नहीं हो जाए, फिर यानी इनको ये प्रोक्लेम करे हिंदुस्तान का। क्या पता इस बार तो उसका इफेक्ट पूरे इंडिया में आया नहीं, लेकिन आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि पूरा इंडिया इनके पीछे रैली करे और ब्रिटिश के अगेंस्ट हो। ये तो ब्रिटिश ने जो इंडिया में रूल किया था, इसमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और सिस्टमेटिकली उन्होंने अपना सब प्लानिंग किया हो। ओके, तो इसके वीकनेस है कि यही थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट अ पैन इंडियन मूवमेंट, देन दे लैक्ड मेनी रिसोर्सेज कंपैरेटिवली, उनकी आर्मीज ट्रेंड नहीं थी और डिसिप्लिन्ड और वैसी जैसे ब्रिटिश मॉडर्न लाइन्स में उनकी एक आर्मी थी, उनका इक्विपमेंट इंफीरियर क्वालिटी का था, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क ठीक नहीं था, उनके पास कोई एज सच स्ट्रैटेजी प्लान या टैक्टिकल ये जो एडवांटेज वो सब इनके पास नहीं था। दे लैक्ड इन ऑल दिस थिंग्स, और एक तरफ एक हाई एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न आर्मी उनके अगेंस्ट खड़ी है। एक्चुअली ब्रिटिश को रिवर्सेस इसलिए मिले, इसमें शुरुआत में इनकी विक्ट्रीज इसलिए हुई क्योंकि वो सब सरप्राइज अटैक्स थे। अगर मान लो ऐसी एक होती कि दो, जैसे पहले जो वॉर्स होते थे ना, दो फौजें आ रही है एक दूसरे के सामने, पर ऐसा कोई होता तो ये तो कोई नो कोई मैच ही नहीं थे ब्रिटिश के सामने। इनको हर जगह सरप्राइजेस मिले ना, इनकी छोटी सी कंटिजेंट कहीं पे है, वो वहां पे आके उन्होंने उनको हरा दिया, फिर ऐसा। सो दिस वे इट वॉज मूविंग ऑन, दैट इज वाई इनिशियली दे वर विक्टोरियस, बट इवेंचुअली दे हैड टू लूज। ओके, सो दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 7, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। देन नेक्स्ट इज द चैप्टर नंबर 8, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। तो अब देखो, यहाँ पर इतना बड़ा एम्पायर जब तुमको रूल करना, मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर, ये फेल होने के मेन रीजंस क्या था? वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश बेसिकली रूल्ड इंडिया विद अ एक्सट्रीमली सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क और ढांचा उन्होंने बनाया था वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ओके, द सिविल सर्विस दैट वाज क्रिएटेड, एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री वाज ब्रॉट अंडर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हर चीज हर जगह कि एक अकाउंटेबिलिटी थी, चाहे वो पुलिस थाना हो चौकी से लेके, तो इलेक्शन का ये हो पटवारी, ये सारी ये जो थे, पहले भी रेवेन्यू कलेक्शन तो पहले भी होता था, लेकिन इतना सिस्टमेटिकली कभी नहीं होता। और ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे, सिविल सर्विसेज में आने वाले जो लोग थे, ये दीज पीपल वर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पीपल। यानी ये तो जैसे आज यहाँ पे वो टफ एग्जाम है, वो ब्रिटेन में भी उस जमाने में टफ एग्जाम ही हुआ करती थी, और ये एग्जाम देने वाले वहां के आम लोग नहीं रहते थे। इट वॉज नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल, ओनली पीपल फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड्स यूज्ड टू अपियर फॉर दिस एग्जाम्स, क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस था वो भी इतना अनऑर्थोडॉक्स था, जैसे उसमें ग्रीक और लैटिन लिटरेचर वगैरह, यानी ये चीजें तो वहां का आम ब्रिटिश भी नहीं पढ़ता था, और ये सारे ऑक्सब्रिज ग्रेजुएट्स हुआ करते थे, यानी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के। और तो और ये जो इंडिया में काम करते थे, दे यूज टू वर्क टू कैटर
कैरी आउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मिशन, वो उनका करियर नहीं था, वो उनका एक मिशन था। ओके, करियर और मिशन में डिफरेंस होता है। करियर मतलब क्या होता है कि तुमने कोई जॉब ज्वाइन की, तुम काम कर रहे हो, उसके तुमको पैसे मिल रहे हैं, बस उसमें तुम खुश हो। वो नहीं, इनको ये दे दिस पीपल वर रियली इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, तो ये जो ये माइंडसेट होता है, इससे काफी फर्क पड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्यों सेटअप करना पड़ा, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट अगर रूल करना है सिस्टमेटिकली प्रोफेशनली, तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क तो लगेगा। तो उन्होंने ढेर सारे डिपार्टमेंट्स खोले, सारा वो स्ट्रीमलाइन किया। उसमें उसमें उनको स्टाफ भी चाहिए रहेगा, उनकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज बनाई, प्रोविंशियल सर्विस बनाई, यानी जैसे जो आज की डेट में जो स्टेट सर्विसेज होती है वो उस समय भी थी, वो वहाँ उसके थ्रू जो ज्वाइन होंगे वो इंफीरियर ऑफिसर्स होंगे, वो प्रमोट होते होते क्लास वन बनेंगे रिटायरमेंट के टाइम। क्योंकि तो जो सिस्टम अभी भी है, जो स्टेट सर्विसेज थे, सपोज डिप्टी कलेक्टर कोई ज्वाइन होता है, और यूपीएससी के थ्रू जो डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन होता है, तो कलेक्ट यूपीएससी वाला 3-4 साल में कलेक्टर बन जाता है, इसको लगता है 18 साल। ऐसी स्टेट सर्विसेज के थ्रू जो पुलिस में आता डीवाईएस या एसीपी करके जो ज्वाइन होता है मेट्रो एरियाज में, तो सेम जो यूपीएससी के थ्रू आता है आईपीएस, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। जो आईपीएस होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 3 साल में बन जाता है, और इसको लगता है 15 साल जो स्टेट सर्विसेज। तो ये सिस्टम ब्रिटिश ने शुरू किया था। तो डिफरेंस सिर्फ ये था कि आज की जो यूपीएससी, वो पहले आईसीएस था, आईएएस आईसीएस था, उसमें सारे ब्रिटिश रहते थे, और प्रोविंशियल सर्विसेज इंडियंस के लिए थी, क्योंकि उनको हर लेवल पे ऑफिसर चाहिए रहेंगे ना, सब हर कोई वो ब्रिटेन से नहीं ला सकते थे। अब इतना सारा स्टाफ ब्रिटेन से लाते तो यहाँ ब्रिटेन में कौन काम करता। ओके, तो उन्होंने ये सारी किए। पर अब उन्होंने 1858 के बाद एक बहुत बड़ा इनको लेसन भी मिल गया था कि ऐसी मिलती नहीं, फिर से नहीं होनी थी। तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि जो 1857 का रिवोल्ट है, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सारे मेजर्स लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाया, और आर्मी में उन्होंने जो बेसिक चेंजेस किए, उसमें उन्होंने जैसे कई जगहों पर रेशियोज चेंज किए कि फॉर एवरी 3 इंडियन मेन देर वुड बी 2 व्हाइट ऑफिसर्स। ओके, कहीं 1:5 रखा, कहीं 1:4, कहीं 2:3 भी रखा, और जितने भी स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट्स रहेंगे, यानी आर्म्स, एम्युनिशन, और ये एक्सक्लूसिवली दे वर अंडर यूरोपियन कंट्रोल, या यू कैन से ब्रिटिश कंट्रोल, उनके ऑफिसर्स उसके वहाँ आसपास भी कोई इंडियन फटकेगा नहीं, है ना। सारे जो आर्टिलरी, बैटल टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, स्ट्रेटेजिक इस पे सारे ब्रिटिश तैनात रहेंगे। फिर एक ऑफिशियल पॉलिसी ये भी थी कि कोई भी इंडियन ऑफिसर नहीं बनेगा, कोई भी इंडियन जो है वो ऑफिसर, द मैक्सिमम पोस्ट टू विच एन इंडियन कुड राइज वॉज सूबेदार मेजर। वैसे वो पोस्ट अभी भी है, अभी भी है वो, और सूबेदार मेजर तक मैक्सिमम, और उसके ऊपर फिर ऑफिसर रैंक शुरू होती है, यानी सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, वो जो उसकी हायरार्की है उसके आगे। तो ऑफिसर सिर्फ ब्रिटिश रहेंगे, और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रहेंगे, ये इनके अंडर में पूरी आर्मी रहेगी, देर वुड बी ए चेन ऑफ कमांड्स, और वो पूरा जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रहता वो वैसा रहेगा। इनफैक्ट इंडिया में सिविल सर्विस में उन्होंने फिर भी इंडियंस को आना अलाउ कर दिया। वो इसलिए अलाउ कर दिया क्योंकि जो एग्जाम ब्रिटेन के लोग नहीं क्लियर कर सकते थे, वो इंडिया के कहाँ से करने वाले। ओके, तो उनको मालूम था बहुत गिने चुने लोग आएंगे, तो आए बिना कितने लोग आए पहले, यानी 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत गिने चुने इंडियंस उसमें पास होते थे, उसके बाद भी गिने चुने ही होते थे, लेटर ऑन बाद में वो ज्यादा होने लगे 20s। तो पहले जो इंडिया 1920 में जो एटकिंसन कमीशन थी, उसके रिकमेंडेशंस के थ्रू दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियंस एज ऑफिसर्स इन आर्मी, यानी ऑफिसर रैंक में। लेकिन उसमें भी दे हैड सम थिंग्स वर ऑफ कोर्स मेड श्योर कि अब जैसे मान लो कोई इंडियन ऑफिसर बना, वो भी प्रमोट होगा, ठीक है, वो प्रमोट होगा, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट में बना वो मेजर बन गया। अब नए ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आएंगे, तो सेकंड लेफ्टिनेंट वो भी नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा
कि एक इंडियन ऑफिसर के अंडर में कोई ब्रिटिश ऑफिसर हो, यानी कोई ब्रिटिश इंडियन को सलूट नहीं करेगा, ये तो उनके प्रेस्टीज का सवाल है। ओके, सी ब्रिटिश रूल इंडिया नॉट बाय पावर, दे रूल बाय प्रेस्टीज। दे हैड क्रिएटेड अ प्रेस्टीज फॉर देमसेल्फ कि वो सुपीरियर इन ऑल एस्पेक्ट्स, कल्चरली, एजुकेशनली, रेशियली। ओके, और वो सुपीरियोरिटी दिखाने का एक सबसे बड़ा तरीका ये था कि यू दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन बिपिन चंद्रास इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कि यू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कलेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विच वुड बी एक्सट्रीमली पावरफुल पोजिशन। कि एक आम आदमी को कलेक्टर मतलब इतना बड़ा लॉर्ड साहब यानी माई बाप दिखने लगे लगने लगे कि उसका परसेप्शन ही चेंज हो जाए, कि वो देख के अपने आप को सबमिट कर दे उसका तामझाम देख के। ठीक है, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर इतना बड़ा है तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया क्या होगा? और फिर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है ना, तुम देखो ना राष्ट्रपति भवन किसके लिए बनाया था, वहां वॉइस रॉय रहता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका साइज देखा ह्यूज। यानी कभी राष्ट्रपति भवन देखोगे 3-4 मंजिल ऊंचा, तो उसका पोर्च ही है उससे भी ज्यादा होगा, उसके जो पिलर्स है ह्यूज ग्रैंड। ये उतना बड़ा तो बकिंगहम पैलेस भी नहीं है, जबकि ये वॉइस रॉय जो था ही वाज सपोज टू रिपोर्ट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, वाज जस्ट अ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, ऑर्डिनरी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, ऑर्डिनरी यानी वन ऑफ द सीनियर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। तो अब एक आदमी को रहने के लिए इतना बड़ा घर लगता है क्या? इतना ग्रैंड घर, इतना ग्रैंड। ओके, तो ये उन्होंने वो ग्रैंडियोर, दिस इज कॉल्ड ग्रैंडियोर, दे हैव क्रिएटेड दिस ग्रैंडियोर, क्रिएट ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज पोस्ट और ऐसा ये तामझाम। तो वो एक कैसा होता है ना, वो भी एक इंडोक्ट्रिनेशन का तरीका है कि वी आर वे अहेड ऑफ यू, यानी कोई इंडियन सोच भी नहीं सकता हमारे इक्वल आने का। ओके, तो ब्रिटिश बेसिकली रूल्ड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, एंड अलोंग विद दैट दे हैड ऑल द वेयरविथल टू मैनेज एनी प्रॉब्लम्स, यानी दे हैड ऑल द पावर। ओके, देन सिमिलरली पब्लिक सर्विसेज पर इंट्रोड्यूस्ड, तो पब्लिक सर्विसेज में यही जो सारी अपनी सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज और म्यूनिसपैलिटीज के एसोसिएटेड सर्विसेज। तो म्यूनिसपैलिटी और इसका सिस्टम भी 1860 में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आ गया था। लॉर्ड मेयो इज सपोज टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और उसमें कई सारे म्यूनिसपैलिटी में फिर इलेक्टेड बॉडीज भी आने लगी, उसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रिक्रूटमेंट शुरू हुआ, उसी में सबसे पहले इलेक्शंस भी शुरू हुए। तो ये सारी चीजें, देन देयर वर इन दिस चैप्टर यू आल्सो हैव टू रीड द रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स। तो अब ब्रिटिश ने अपनी एक एनेक्सेशन की पॉलिसी थी। अब देखो प्रिंसली स्टेट क्या थे, पूरा इंडिया जो था वो किसी न किसी रूलर के अंडर में था। ब्रिटिश ने एक एक करके बड़े बड़े रूलर्स को तो अपने अंडर में ले लिया, लेकिन फिर एक स्टेज के बाद क्या हुआ, 1853 में व्हेन लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड अवध, एनेक्सेशन ऑफ अवध, तो अवध के जो ज्यादातर पेजेंट्स और ये सब थे यही ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी थे, और दीज पीपल डिड नॉट लाइक दैट एनेक्सेशन। एंड ब्रिटेन में इस बात पे बड़ी चर्चा थी कि एनेक्सेशन ऑफ अवध वॉज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब ड्राफ्ट किया, तो उसमें उन्होंने ये जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी ये पूरी अबैंडन कर दी। उन्होंने क्या बोला, देखो इंडिया पे तो अपना राज वैसे भी है, हम ऑफिशियली किसी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स करके अपने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों डाला। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ये जितने अभी प्रिंसली स्टेट्स बाकी है, अब वो प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग साइज के थे, सम प्रिंसली स्टेट्स वर ऑफ द डायमीटर ऑफ 3-4 किलोमीटर्स ऑल्सो, सम स्टेट वर एज लार्ज एज कश्मीर। ओके, तो इन लोगों को हम एक साथ इनको हम अलग ही रखेंगे, इनको अलग रखेंगे, वी वुड पैम्पर देम, और इनकी आर्मीज जो इनकी रहेगी इनको ऑफकोर्स पेंशन मिलेगी, और इनको हम सारे बेनिफिट्स देंगे। अब इनको वाकई में उन्होंने काफी सर पे भी चढ़ाया, यानी दे वर इनवाइटेड टू पार्टीज इन बकिंगहम पैलेस वगैरह, और जो ब्रिटिश ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर्स वगैरह भी थे, ऐसा कोई रॉयल फैमिली का जो किंग वगैरह आता था ना महाराज, उनको बड़े झुक झुक के हिज हाइनेस करके ये करते थे एड्रेस। पावर कुछ नहीं, यानी वो अपना रुमाल भी ब्रिटिश के मर्जी के अगेंस्ट नहीं खरीद सकता, इस हद तक पावर नहीं। इनके पास, इनके दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहता था, एक रेसिडेंट का ऑफिस रहता था, रेसिडेंट ऑफिसर बोलते थे उसको, ही वॉज एक्चुअली रनिंग दैट प्रिंसली स्टेट।
और ये जो राजे महाराजे थे इनके पास कोई पावर नहीं थी, इनके पास यानी इनके इनफैक्ट इनके मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा ये भी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता। ओके तो लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इनके हम सारे ठाट बाट मेंटेन रखेंगे, इनको पेंशन देंगे, इनको ऐशो आराम ऐश करने दो, इनको कोई काम नहीं ऐश करने दो। वो एक डोमिनिक लेपर की किताब है, कभी टाइम मिले तो उसको जरूर पढ़िए, दैट इज फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें एक पूरा चैप्टर इसी पे डिवोटेड है कि प्रिंसली स्टेट्स के जो राजे महाराजे थे करते क्या थे, दिन भर कुछ नहीं करते थे, दिन भर अय्याशी, पूरे अय्याश, शराब शबाब नाच गाना बस। और उसमें ये भी लिखा है कि दे ऑल डाइड ऑफ वन कॉमन थिंग एंड दैट वाज क्रॉनिक बोर्डम। सब कर करके आदमी आदमी बोर हो जाता, ठीक है। तो दिन दिन भर ये, तो इनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन इनको रखा था ब्रिटिश ने, ब्रिटिश ने इनको रखा था जानबूझ के, ताकि तो अब इनसे एसोसिएटेड जो पॉलिसीज है ब्रिटिश की ओवर द पीरियड भी चेंज होती रही। ओके सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, सबऑर्डिनेट जैसे रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट इस टाइप की उनकी अलग अलग पॉलिसीज थी, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में तुमको करनी है। देन देर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज तो फिर उनकी सारी उससे एसोसिएटेड थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली कैसे चलेगा। तो उसमें रेलवे कैसी चलेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैसे चलेंगे, रिक्रूटमेंट उसमें कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में। एंड देन रेशियल एंटागोनिज्म एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अब ये क्या हुआ था कि 1858 तक यानी 1857 के रिवोल्ट तक तो फिर भी काफी रेशियलिज्म इतना नहीं आया था जितना उसके बाद आया। उसके बाद कैसा हुआ कि इवन जो आर्मी और इनके जो कैंटोनमेंट्स और ये सब थे ना, ब्रिटिश पीपल स्टॉप इंटरमिंगलिंग विद इंडियंस। एक विलियम गार्डिनर की किताब है द व्हाइट मुगल्स करके, तो उसमें ये व्हाइट मुगल्स मतलब कई कई सारे उससे पहले कई सारे ब्रिटिश ने इंडियन लाइफ स्टाइल अपना ली थी, यानी जैसे मुगल्स वगैरह रहते थे उस टाइप का लाइफ स्टाइल, दे इवन मैरिड इंडियन वुमेन। ओके एंड दिस ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश पीपल यूज टू इंटरमिंगल विद इंडियंस बट ऑफकोर्स एट अ हायर स्टेटस स्ट्रेटा लेवल, नॉट विद कॉमन पीपल। उनका एक रहता था, उनकी पार्टीज और ये सब में भी, ये सब भी आते थे रॉयल प्रिंस। तो लेकिन 1857 के बाद ये सब उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद से ही बढ़ा रेशियल एंटागोनिज्म। तो रेशियलिज्म उसमें धीरे धीरे आने लगा, फिर वो हर फील्ड में देखने को मिला। फिर भी खैर इंडिया में उतना रेशियलिज्म तो नहीं था जितना साउथ अफ्रीका वगैरह में था जो गांधी जी ने फेस किया। ओके मतलब वहां तो तुम पैसे दे के भी फर्स्ट क्लास के टिकट में नहीं ट्रेन में बैठ सकते थे, इंडिया में तुम्हारे पास पैसे तो तुम फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हो। ओके जहाँ ब्रिटिश भी बैठ सकते हैं, लेकिन खैर अब रेलवे में भी जो वेटिंग लॉन्जेस वगैरह थे स्टेशन वगैरह पे, वो व्हाइट ब्रिटिश के अलग और इंडियंस के अलग तो थे ही, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स। ओके फिर पिक्चर हॉल्स में भी ब्रिटिश के लिए अलग और ये सब, वो बाइफर्केशन तो था, और वो फिर वो वैसा ही रखा उन्होंने। अगर तुम दिल्ली गए हो तो वहाँ जो कैनॉट प्लेस एरिया है, कैनॉट प्लेस जो है दैट वॉज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर ब्रिटिश, वो ब्रिटिश मार्केट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट और उसका एरिया था। वहां पे सिर्फ काम करने वाले इंडियंस थे, वहां वहां पे तुम कोई इंडियन शॉपिंग करने या किसी रेस्टोरेंट में खाने वगैरह नहीं जा सकता। ओके तो ये सारे सिस्टम्स तो उन्होंने रखे थे। ओके एंड देन देयर फॉरेन पॉलिसी, नाउ दिस फॉरेन पॉलिसी इज इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। नाउ फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश की जो फॉरेन पॉलिसी थी दैट वाज एक्चुअली इट हिंज्ड अपॉन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट दे वॉन्टेड टू कंसोलिडेट एंड सेफगार्ड दिस एम्पायर फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स। तो अब इंडिया का जो मैप है वो ऐसा है कि तीन साइड तो समुद्र है, तो उस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर नॉर्थ में हिमालयाज है तो उधर से भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन इधर का जो फ्रंट है जो पाकिस्तान साइड से अफगानिस्तान वाला ये खुला है, और इधर बर्मा साइड वाला, तो उधर अफगानिस्तान के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रशियन एम्पायर था, और इधर बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं सॉरी म्यांमार के इस तरफ वो फ्रेंच रूल, फ्रेंच कॉलोनीज थी, कंबोडिया ये इन सब पे फ्रेंच रूल था। बर्मा का भी कुछ पार्ट यानी जो आज म्यांमार कहा जाता है वो भी अंडर फ्रेंच ऑक्यूपेशन था, तो इनसे उनको थ्रेट था। तो
तो इनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो किसी भी तरह से इंडियन, दिस वाज बेसिकली द ज्वेल इन देयर क्राउन, जो ब्रिटिश एम्पायर है इतना बड़ा, उसका जो अगर सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा था तो वो इंडिया था। ओके, तो वो तो उनको किसी भी तरह से सेफगार्ड करना था, तो उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी उसके ये थी। तो उसके ऊपर इस किताब में भी दिया हुआ है, उसको स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हो। तो उन्होंने एंग्लो अफगान वॉर्स के बारे में है, देन एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो नेपलीज वॉर, एंग्लो भूटानीज वॉर, एंग्लो टिबेट पॉलिसी फॉर टिबेट, ठीक है, एंड देन पॉलिसी फॉर देयर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो इनके ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में उसकी फॉरेन पॉलिसी को तुमको स्टडी करना। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर चैप्टर नंबर 8, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। चैप्टर नंबर 9, दैट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो अब इस चैप्टर में हमको ये हम ये जानेंगे कि उनका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया। तो अब इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट की सीधी बात तो ये है कि नाउ सी अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन ब्रिटिश वर नॉट देयर, इवन दो देयर वर फॉरेन इन्वेडर्स हु हैड इन्वेडेड इंडिया एंड देवर रूलिंग इन इंडिया, बट द पॉइंट वॉज दैट वॉट एवर वॉज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड और वॉट एवर वेल्थ और जीडीपी वॉज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, इट वॉज एंड द टैक्सेशन विच वॉज चार्ज, तो दैट वॉज यूज इन इंडिया इटसेल्फ। यहाँ पे जो भी वेल्थ क्रिएट हो रही वो इंडिया में खर्च हो रही। अब कोई शहनशाह है वो टैक्स ले रहा है, तो टैक्स लेके वो जो भी करेगा, भले ही किला बनवाए, वो सब है तो इंडिया में ही ना पैसा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ के लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ के लोग बेनिफिट हो रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश आने की वजह से ये सब चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो रिसोर्सेज या यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इट वॉज नो मोर, इट नो मोर रिमेंड इन इंडिया, इट वॉज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोज डेज वॉज पेइंग 5 लाख पाउंड्स पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर एज वॉट एवर टैक्स और चार्ज इट वॉज गिविंग। उसके अलावा यहाँ के जो ऑफिसर्स को सैलरी मिल रही है और ये सब मिल रही है, वो तो ब्रिटेन भेज रहे हैं ना अपने साथ, यहाँ पे उनके ऑफिसर्स वो जो कमाई भी करते थे, इनफैक्ट ये सब बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जब से आया, वरना उसके पहले यहाँ के जो ये सब थे उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। लॉर्ड क्लाइव जो था जिसके अंडर में बैटल ऑफ प्लासी जीता गया था, वो तो मिलियनेयर बन के गया था यहाँ से, उसके हीरे जायदाद वो सारी वो अभी म्यूजियम में वहां पे डिस्प्ले पे है क्लाइव का, यानी इतने लाखों रुपए कमा के गया था। तो अब यहाँ पर जब दूसरों का रूल होता था, यही लाखों रुपए रहते तो इंडिया में चले गए हमेशा के लिए, तो ऐसे पैसे यहाँ से जाने लगे, तो यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जब से शुरू हुआ तब से इंडियन मासेस की हालत खराब होनी शुरू। अच्छा, नॉट ओनली दैट, इसमें जो देर वॉज अ डिस्ट्रप्शन इन ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑल्सो बिकॉज अब इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आने लगे, मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ्स, ओके, विच वॉज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड चीप ऑल्सो, ठीक है, तो कोई भी तो वो खरीदेगा ना, फिर यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्रीज का क्या होगा। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेडिशनल आर्ट हुआ करता था जिसको ढाके का मलमल बोलते थे, मसलिन क्लॉथ बनाने का एक आर्ट था ढाका साइड में, अभी बांग्लादेश में मुस्लिम वीवर्स यूज टू डू दैट। तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का क्लॉथ बनाते थे, इट वॉज सो फाइन, मतलब ये एक एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन लेकिन वो ऐसा था कि एक साड़ी जितना कपड़ा एक माचिस की डिब्बी में आ जाएगा फोल्ड करके, इतना फाइन क्लॉथ था, और वो बनाने की एक आर्ट थी। तो वो उन्होंने वहां पे बैन कर दिया, दे मेड ऑल द एफर्ट्स टू शट डाउन दैट इंडस्ट्री सो दैट दिस मे नॉट बी एक्सपोर्टेड टू एनीवेयर इन यूरोप, और फिर यूरोप में भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स बिके, इंडिया में भी ब्रिटिश, तो फाइनली वो इंडस्ट्री बंद हो गई और उसके साथ ही वो कला भी चली गई हमेशा के लिए। अभी अभी तुम फैक्ट्री से भी वैसे उस लेवल का क्लॉथ नहीं बना सकते। ओके, तो ये सारी जो चीजें थी, ऐसे बाकी और भी कई सारी इंडस्ट्रीज जो थी जो ट्रेडिशनली यहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट जिसमें एम्प्लॉयड थे वो बंद होनी शुरू हुई। तो अब उससे रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हुए। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब होता है, देखो देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड अर्बनाइजेशन। वॉट इज अर्बनाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस वेन देर आर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड अर्बन स्प्रॉल्स आर क्रिएटेड एंड सिटीज ग्रो। ओके,
सिटीज, कोई भी सिटी देखो वो धीरे धीरे ग्रो होती रहती है, आसपास के गांव उसके इसमें आ जाते, वो खेत प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाते, NATP हो जाता है। ओके, तो ये ऐसे ही तो हो रहा ना, आप जो ये इधर बेसा वगैरह ये सब ऐसे ही तो है, ये सब ऑल सिटीज एक्सपैंड, तो दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो उसका एक अपोजिट प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड रूरलाइजेशन, या उसको एक सोशियोलॉजिस्ट ने ररबनाइजेशन भी बोला, यानी इट इज रिवर्स माइग्रेशन। तो जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं वो वापस अपने गांव जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खाएंगे क्या क्या, तो वो घूम फिर के फिर खेतों में चले गए। अब खेतों में हो तो उनकी जरूरत नहीं है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, सॉरी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो जहां जरूरत नहीं वहां चले गए और वहां एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया। अब जहां तुम्हारे सिटी से भी अर्निंग होती थी एक फैमिली में और गांव रूरल खेत से भी, तो वो अभी कहाँ हो रही है, वहां पे प्रेशर बढ़ गया। तो इस चक्कर में यहाँ पर सारा का सारा डिस्ट्रप्शन हो गया। एंड मोर ओवर इंडियन फार्मर्स वर एनकरेज टू ग्रो कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब शुगर केन, फिर कॉटन, जूट। तो वाई? बिकॉज दे वुड बी दे वुड एक्ट दीज कैश क्रॉप्स वुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है, और फिर वहां से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे। तो अब ये जो कैश क्रॉप्स के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पर जो अनाज का उत्पादन है वो कम हो गया। तो अब अनाज तो चाहिए ना, आदमी की बेसिक नीड क्या होती है, भोजन होता है, कपड़ा नहीं, कपड़ा भी है लेकिन वो नेक्स्ट नीड है सर्वाइवल के लिए, तो खाना और पानी चाहिए ना। तो यहाँ पे अनाज ही कम पड़ने लगा, तो नो वंडर यहाँ पर फेमिन्स आने शुरू हुए, मेनी फेमिन्स केम इन इंडिया। इनफैक्ट जो 1890s में जो एक फेमिन आया था उसमें इन द लास्ट 5 ईयर्स अराउंड 3 करोड़ पीपल पेरिश्ड। हाँ, द ग्रेट बंगाल फेमिन, यानी बंगाल यानी उस समय का बंगाल जिसमें आज का बिहार वगैरह भी आता है, बिहार उड़ीसा सब आता है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने लोग भूखे कैसे मरे? वरना इंडिया में तुम एंशियंट इंडिया इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, ऐसा कोई फेमिन में भी नहीं था वो से बहुत लोग मर रहे, हाहाकार मचा, ऐसा कभी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, किसी फॉरेन ट्रैवलर ने भी नहीं लिखा है, इवन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने खुद भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे कोई भूख से मर रहा है। ये भूख से मरने वाली चीज यहाँ पे इसीलिए शुरू हुई ब्रिटिश रूल की वजह से। ओके, तो अच्छा, दिस नॉट ओनली दिस, अनदर इम्पैक्ट वॉज दैट देर वॉज अ रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड द राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये सारी चीजें इसमें एक साथ आने लगी। सर ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, रुइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। ये एक इशू कैसा था, देखो अर्लियर व्हाट यूज टू हैपन, जमींदार पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, जमींदारी सिस्टम इंडिया में बहुत पहले से। नाउ दिस प्रैक्टिस बेसिकली एक्सासर्बेटेड सिंस द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ था, जब यानी जो 4th सेंचुरी AD से 6th सेंचुरी AD के आसपास था, तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर देर वॉज अ पॉसिटी ऑफ कॉइन्स बिकॉज दैट देयर ट्रेड विद रोमन एम्पायर हैड डिक्लाइंड। तो एक्चुअली चाइना से जो सिल्क वगैरह आता था वो गुप्तास उधर आगे एक्सपोर्ट करते थे। नाउ द रोमन्स देमसेल्व्स लर्न्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिल्क, तो वो ट्रेड बंद हो गया, तो इनका वहां से रेवेन्यू बंद हो गया। और फिर बाकी के भी जो उसके कॉजेज रहते हैं कि वो एम्पायर्स भी तो धीरे धीरे श्रिंक होते हैं ना, उसमें मैल एडमिनिस्ट्रेशन आना शुरू होता है, उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। तो अब यहाँ पर किंग्स के पास अपने नोबल्स और इनको पे करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या पे कैसे करते थे, लैंड के फॉर्म। सो लैंड वॉज ग्रांटेड, और फिर तुम लैंड को, तुम उस लैंड के मालिक हो, तुम उसको मैनेज करो, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी मैनेज करो, और तुम किंग को सेंट्रल अथॉरिटी के पास एक उसका शेयर भेजो बस, बाकी वो तुम्हारी जागीर बन गया। इसीलिए तो जागीरदार बोलते हैं ना, जागीर है ना, तो इसी से ये जमींदार जागीरदार इस टाइप के सारे सिस्टम्स इंडिया में आए, और धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ, वो एक्सप्लॉयटेटिव कैसे ज्यादा बना, वो इसलिए एक्सप्लॉयटेटिव बना कि ये जो जागीर जमींदार वगैरह पहले थे, इनके जो ये अपने लैंड किसानों को देते थे, अब वो वहां पर ये खुद थोड़ी ना खेती करते थे, वो तो जमींदार है वो खेती करेगा, वो इनको जो लैंड देते थे ये जनरेशन टू जनरेशन इन्हीं के पास रहती थी, और जमींदार और किसानों में एक अलग टाइप का बॉन्ड रहता था। ओके, जो जनरेशन से चला आ रहा,
उसमें एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप थोड़ा कम था, ऐसा नहीं कि उस समय एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश आने की वजह के बाद से क्या हुआ, इन्होंने जो नए नए सिस्टम्स लाए जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इसमें उन्होंने क्या बेसिकली क्या किया, लैंड बिकेम अ कमोडिटी, सिंस लैंड ऑल्सो बिकेम अ कमोडिटी, सो नाउ एनी वन कैन बिकम अ जमींदार ऑफ एनीवेयर। तो उसमें कई ब्रिटिश जमींदार भी थे, प्लांटेशन ओनर्स वगैरह सब तो ब्रिटिश ही थे, जो बड़े बड़े प्लांटेशन है टी, रबर, कॉफी, इनके ये सारे ओनर्स। फिर इन्होंने इंडिगो का भी प्लांटेशन, ये सेक्टर शुरू किया था, उसके भी ज्यादातर ओनर्स ब्रिटिश थे। फिर अब उसमें ऐसा भी था, कोई महाराष्ट्र से तो यूपी में जाके जमींदार बन सकता, उसके पास पैसे है, वहां जब लैंड खरीदेगा और जमींदार बन जाएगा। तो अब जब इस टाइप के जमींदार आने लगे, तो उनका फिर अब वहां पे जो ट्रेडिशनली सदियों से जो किसान और उनकी फैमिलीज काम कर रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं। ओके, अब इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इनके कोई बॉन्डिंग्स भी नहीं है, तो उनका तो फिर बस एक ही मकसद है, इनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा खून चूसना है इनका। अब इन्होंने जो उसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी रखा है कि 10/11 ऑफ द प्रोड्यूस तुमको टैक्स में देना है, तो अब जमींदार को अपनी भी तो ऐशो आराम इंश्योर करने, ऊपर से आगे पैसे भी पहुंचा रहे, नहीं तो उन्होंने लॉज ऐसे बनाए थे, दे कैन इविक्ट जमींदार ऑल्सो, तो जमींदार को भगा देंगे वहां से। तो अब जमींदार को भी किसी भी तरह से, है ना, होता ना जैसे आजकल कॉर्पोरेट में टारगेट्स कैसे मिलते हैं, टारगेट्स रहते हैं ना, जैसे उनको भी तो टारगेट था, वो इतने तेरे को कमा के देने, अब वो तो कहाँ कहीं से मिला, अब उसके लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे उसको कितना भी खून जूसना पड़े। इस तरह से ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव, एंड एक्सप्लॉयटेटिव टू द एक्सटेंट दैट इट वॉज इट बिकेम अ ड्रैग ऑन द इकोनॉमी ऑल्सो। उसका रीजन ये, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। होता क्या है कि जब इस टाइप के जमींदार आएंगे, तो उनको एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज देना, फर्टिलाइजर्स देना, लेकिन ये पानी का सब ये ठीक से व्यवस्था करना, उसमें कोई अपने जो ये है उनका, उनकी हेल्थ केयर के लिए फैसिलिटीज देना, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं उसका। तो इसीलिए तो इनफैक्ट इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी, द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वॉज पास वॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स, एंड लैंड रिफॉर्म्स इज नथिंग बट अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लेकिन तो इसी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रैग था इंडियन इकोनॉमी और इसके लिए, और इसके लिए अपने फ्रीडम फाइटर्स और इन सब ने हमेशा से स्ट्रगल किया कि जमींदारी को ये करो, कंट्रोल करो, लेकिन ब्रिटिश उनको नहीं करना चाहते थे। उसका सिंपल रीजन ये था कि वो उनके इंटरेस्ट में था, एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रिएट सम लॉयलिस्ट सेक्शन, जैसे प्रिंसली स्टेट, जमींदार्स, ये उनके हमेशा लॉयलिस्ट सेक्शन के लोग थे, और ये उनको रखने थे, उनको भी मालूम था कि ये सब एक्सप्लॉयटेटिव, लेकिन अब वो इतने रैशनल और ये एनलाइटेंड लोग हैं, उनको क्या समझता नहीं था क्या कि ये एक्सप्लॉयटेटिव, उनको भी मालूम था ये सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव, लेकिन उन्होंने फिर भी रखी थी बिकॉज इट वॉज इन देयर इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड देन स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, तो ये सब हुई उसी के आगे एक्सटेंशन है जिसका हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली है। पॉवर्टी और फेमिन्स इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन की कॉस्ट पे कैश क्रॉप्स को इंकरेज किया गया, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप्स, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ओके, और उस वजह से यहाँ पर जब अनाज का प्रोडक्शन कम होने लगा, तो यहाँ पे फेमिन्स आने शुरू हुए, जो कि पुराने इतिहास में कहीं तुमको देखने को नहीं मिलेगा। खैर पुराने टाइम पे पॉपुलेशन भी कम हुआ करती थी, खैर लेकिन खेती भी तो कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही भूख से नहीं मरते थे लोग, वो सब ब्रिटिश रूल के आने के बाद से होना शुरू हुआ। सो दिस वाज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड द इम्पैक्ट ऑफ अदर रूल्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। इनफैक्ट बाकी मुगल्स और उसके पहले वगैरह तो इंडियन इकोनॉमी पे इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मुगल्स के टाइम पे, अकबर के टाइम पे पता है ना, 28% इंडिया का जीडीपी था वर्ल्ड के शेयर में। ओके, तो इंडिया पे तो इनके रूल्स का तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, इनके रूल पे का नेगेटिव इम्पैक्ट, इसमें बेनिफिशियरीज वर ओनली ब्रिटिश, ओके, एंड लूजर्स वर इंडियंस। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 9 तक का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा का इंट्रोडक्शन टू चैप्टर्स का एक ओरिएंटेशन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में हम बचे हुए चैप्टर्स को करेंगे, तो आप उसे भी जरूर देखिए। धन्यवाद।